हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट साथियों। इस वीडियो में हम आज उत्तर प्रदेश टीजीटी 2013 का पेपर डिस्कस करेंगे। 2013 में जो टीजीटी का पेपर हुआ था इंग्लिश का, उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले हम और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं, 16 और 21 के, टीजीटी और पीजीटी दोनों के। तो आप बाकी वीडियो भी जाके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो टीजीटी 2013 का पेपर है इंग्लिश का, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ही लीड्स ए मोस्ट अनहैप्पी लाइफ। एक सेंटेंस दिया गया है, इसको हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ ऑप्शन है, कोई सेंटेंस है, यू ब्लैंक हिम सिंस ही चाइल्डहुड। तो यहाँ भी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यू हैव नॉन हिम सिंस ही चाइल्डहुड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इन वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे, द अबव लाइन अकर्स इन। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है, ये लाइन ली गई मैसर फॉर मैसर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनको आप नोट कर सकते हैं और इनको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बार टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन रिपीटेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही हैड टू साइन और बी एग्जीक्यूटेड। इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इफ़ ही हैड नॉट साइंड ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, चेंज द सेंटेंस इन टू पैसिव वॉइस, पैसिव बनाना है, डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग। तो क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर हो जाएगा, इज माई मीनिंग अंडरस्टूड। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ये पूरा सेंटेंस दे रखा है चार ऑप्शन में, ड्राइवर वॉज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्साइडिंग द स्पीड लिमिट। तो इसमें सिक्स में बी वाला ऑप्शन है जो एरर शो कर रहा है, तो सिक्स का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन किसने लिखा है। सो सेवन्थ में भी डेरेडा ने ये टर्म दी थी और इसको काफ़ी यूज किया था, तो ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है, गॉस वर्दी प्ले स्ट्राइव डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ लेबर डिस्प्यूट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गोल्स वर्दी का प्ले है स्ट्राइफ ये लेबर डिस्प्यूट से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन, पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लड विक्टिम्स, फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द इटालिसाइज्ड वर्ड। तो प्रोवोक का अपोजिट वर्ड देखना है हमको, ठीक है, तो इसमें एंटोनिम देखना है, तो इसमें प्रोवोक का हो जाएगा सी ऑप्शन, सी नाइन्थ में सी, पैसिफाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न, वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कोकरमाउथ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इलेवंथ क्वेश्चन, पुट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस दे रखा है इसको इनडायरेक्ट बनाना है, हाउ स्मार्ट यू आर सी सैड। तो इसका हो जाएगा सी एक्सक्लेम दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मेड ऑफेलिया नॉट गिव अवे। तो क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग अकर्स, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। तो ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से लिया गया है, ये जो लाइन ली गई है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट द सेंटेंस, जस्टिस सॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ, ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन लीगल सिस्टम, राइट। आई थिंक ये जो जस्टिस वर्क है गोल्सवर्दी का, उसके प्ले के बारे में बात की गई, इसको बोल्ड मान सकते हैं आप, जस्टिस को, जस्टिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ, ये ब्रिटिश लीगल सिस्टम होगा, यहाँ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये गोल्सवर्दी का जो प्ले है जस्टिस, वो पता इसका क्वेश्चन है कि वो किस प्रॉब्लम को शो करता है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है।
तो जस्टिस इंग्लिश लीगल सिस्टम जो था उसके बारे में जो खामियां थी उसमें उसको शो करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश लीगल सिस्टम को, ठीक है, 14 में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15। हु हैज रिटन जॉयसलिन अमोंग द फॉलोइंग राइटर्स। तो यहाँ ये गोल्सवर्दी है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गोल्सवर्दी का प्ले है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लो इन हेमलेट। तो 16 का आंसर हो जाएगा नोवेल, वॉल्टिंग, एम्बिशन, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन डी है इसमें, कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कोई भी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द गैप, आई विल सिट ब्लैंक माई डेस्क टू डू माई लेसन। तो 17 में ऑप्शन डी हो जाएगा, आई विल सिट इन माई डेस्क, क्योंकि और कोई प्रिपोजिशन यहाँ सिटेबल नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडस वाज रिटन। ये 1638 में लिखा गया था, तो यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लिसिडस 1638 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वेन वाज जॉन गॉल्सवर्दी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर में गॉल्सवर्दी को नोबेल प्राइज 1932 में मिला था, तो यहाँ सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गॉल्सवर्दी को नोबेल 1932 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 20। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच इन शेक्सपियर सोनेट। तो इसका जो फुल नेम माना जाता है, विलियम हर्बर्ट को माना जाता है डब्ल्यू एच को, तो ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज एसाइड, एसाइड जो टर्म है क्या है। तो 21 में यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर, राइट। तो इसका मतलब हो जाता है एसाइड, सो ऑप्शन ए राइट आंसर है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ आई एम यू। तो यहाँ आई थिंक पहले में ही एरर दिख रहा है, क्वेश्चन 22 में ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस, ओटावा राइम इज ए ब्लैंक स्टेंजा इन एम्बिक पेंटामीटर। तो ओटावा राइम में कितने लाइन स्टेंजा होता है ओटावा राइम, तो यहाँ ऑप्शन सी 8 लाइन, ठीक है, 8 लाइन स्टेंजा इन एम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। फिल इन द गैप विद द अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी, यहाँ ऑक्सिलरी यूज करनी है। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही ब्लैंक स्कार्सली स्टैंड कुड, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ए कुड, ही कुड स्कार्सली स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25। रीअरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, सेंटेंस दे रखे हैं इनको रीअरेंज करना है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी, पी आर क्यू एस, इनको आप पढ़ सकते हैं आसानी से और रीअरेंज कर सकते हैं, इट्स इजी टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हु इज द राइटर ऑफ प्रिक्लूज। तो ये वर्ड्सवर्थ का वर्क था नो डाउट, तो यहाँ 26 में डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कंप्लीट द सेंटेंस, द टर्म नोवेल वॉज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड। तो ये 27 में राइट आंसर हो जाएगा सी नोवेलेट, इस वर्ड से नोवेल वर्ड का जन्म हुआ एक तरह से, इटालियन वर्ड था नोवेलेट, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केच। तो वर्ड्सवर्थ ने लिखे थे डिस्क्रिप्टिव स्केच, और राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ भी। नेक्स्ट देखते हैं, 29। फिल इन द गैप, किंग लियर हैड 3 डॉटर्स। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, 3 लड़कियां थी उसके, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कंप्लीट द सेंटेंस, द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजडी नाउन। ट्रेजडी में जो जजमेंट में एरर करते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हमार्शिया बोला जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, द टू स्टूडेंट वॉक बिसाइड ईच अदर इन साइलेंस। तो इसमें एरर है ऑप्शन बी में, बिसाइड्स ईच अदर, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें एरर शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ ए शेक्सपियरियन प्ले। तो किस प्ले का सीन है ये, क्वेश्चन नंबर 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमलेट, क्योंकि हेमलेट का ही एक सीन है जो डेनमार्क में सेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसने लिखा था, ये पहले भी शायद 621 के पीजीटी में भी ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो 33 में राइट आंसर हो जाएगा वी, मिल्टन का वर्क है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन,
ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन, ग्लोब थिएटर कब जला दिए गए थे, ठीक है, तो ये है 1613 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 35, क्वेश्चन नंबर 35, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, हु हैज सेड दिस अबाउट शेक्सपियर। ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लाइन है जो शेक्सपियर के बारे में बोली गई थी, तो इसमें पूछा किसने बोली थी, तो ये मैथ्यू अर्नॉल्ड ने बोला था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, कितने बुक हैं पैराडाइज लॉस्ट में, कितने बुक हैं, तो एक्चुअल में यहाँ देखो एक इश्यू क्रिएट होता है, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं कि मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट पहली बार पब्लिश किया था तो उसमें तब 10 बुक्स थी, लेकिन उसको रिपब्लिश किया था तो उसके बाद उसमें 12 बुक्स हो गई थी, तो यहाँ जो ये 13 में पेपर हुआ था वहाँ कमीशन ने इसको ऑप्शन बी को राइट आंसर माना था 10 बुक्स में, ठीक है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। वैसे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, सो देर इज अ प्रॉब्लम, वी कैन से दैट ये क्लैश क्रिएट कर रहा है 12 या 10, तो स्टार्टिंग का जो पब्लिकेशन था उसमें 10 थी, फिर उसको रिपब्लिश किया गया था तो 12 बुक हो गई थी, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37, क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है 1667 में पब्लिश हुआ था, तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, कंप्लीट द सेंटेंस, सिंप्लिसिटी स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर ऑफ ऑड, ऑड के फीचर हैं 38 में, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, हु रोट लिलीज दैट फास्टर स्मेल फार वर्स देन वीट्स, तो ये किसने बोला था, शेक्सपियर ने, तो यहाँ डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो, सेंटेंस दे रखा है चार ऑप्शन के साथ, इसमें जो एरर है वो फाइंड आउट करना है। सी हैज टोल्ड मी दैट सी सॉ माई अंकल एट द फेयर ऑन लास्ट फ्राइडे, तो यहाँ ऑप्शन सी में एरर दिख रहा है इजीली, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41, व्हाट इज द सिनोनिम विजडम, विजडम का सिनोनिम क्या है, तो यहाँ सेगा सिटी ऑफ, राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर है 41 का। 42 देख लेते हैं, कम दो मॉर्टल रेथ विद द शार्प टीथ नॉट इंट्रिंसिक केट, इन विच बुक डू द अबव लाइन अकर्स, किस किताब से ली गई है लाइन है, तो ये है क्लियोपेट्रा, ठीक है, इससे ली गई है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सावल इन हिज पोयम, तो किस पोयम में बात की है ये, और टू द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी, ऑप्शन डी राइट आंसर है, जिसमें इन्होंने ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सावल, ठीक है, उसके बारे में बातें की हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान सी वेयर एन क्रेन अपियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किंग लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द मोर हैसल द लेस स्पीड, तो सिंपल दिख रहा है मोर हैसल एंड लेस स्पीड, क्वेश्चन नंबर 45, तो आयरन ही है यहाँ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस, 46, ठीक है, तो डेज मीन्स ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर 46 में, डिड से का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, दुख का गाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47, ओके 47, चेंज द डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, 47, और इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आराम से आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 48, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है, हिज विश इज टेंटरमाउंट ब्लैंक ए कमांड, तो इसमें 48 में हमको ऑप्शन देख लेते हैं पहले, तो यहाँ ऑप्शन है विद ऑफ 2 4, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, हु हैज रिटन द सिमिलाइन। सिमिलाइन शेक्सपियर ने लिखा था, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50, फिल इन द गैप, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। जस्टिस वो प्ले है जॉन गल्सवर्दी का, उसका टाइटल एरोनिकल है, ठीक है। वो जस्टिस मतलब एक मजाक के तौर पर, क्योंकि वहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है उसको मजाक बनाया गया है उसका, क्योंकि इसमें गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता है, पैसे वाले लोगों को न्याय मिलता है, और पैसे से जस्टिस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो विटनेस है उनको खरीदा जा सकता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई है, जो एक लीगल सिस्टम है आजकल सभी देशों में, नॉट इन इंग्लैंड और अमेरिका, वो सभी देशों में देखने को मिल जाता है आसानी से। तो ये आयरोनिकल एक टाइटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। देखो यहाँ क्या दे रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है और उसके बेस पे फिर ये पांच क्वेश्चन दे रखे हैं, तो स्क्रीन पे आपको पैराग्राफ दिख रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसके बेस पे क्वेश्चनों को आराम से समझ सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ, 51 में बी है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 52 में अगर आप देखना चाहते हैं तो राइट आंसर है, पीपल अराउंड वन विल ग्रो हॉस्टाइल, इनको आप पढ़ के आराम से चेक कर सकते हैं। 53 में क्वेश्चन 53 का आंसर हो जाएगा, फिर से ऑप्शन ए, इसमें भी वन फेल्स टू अचीव सक्सेस। एंड 54 में, 54 में ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, और 55 में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ह्यूमन अप्रोच टू आवर प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप इस पैराग्राफ को पढ़ के आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आई डोंट सी कि इसको बहुत ज़्यादा लंबा खींच के वीडियो को कुछ फ़ायदा होगा, आप आराम से पैराग्राफ पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो जो प्ले है शेक्सपियर का, उसकी स्टोरी वेनिस में सेट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ 56 में ए। एंड चूज द करेक्ट वर्ब। 57, दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली, तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट वर्ब यूज करना था, तो दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस ए वीकली, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देयर वाज चार ऑप्शन दे रखे हैं, सिंपल है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्लाई इन मिल्क, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ये जो सेंटेंस दे रखा है इसमें दो प्रीपोजिशन है वो फिल करने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। टू, पहले वाले ब्लैंक में टू आएगा कस्टम्ड टू, और दूसरे वाले में ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो 59 में सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60, क्वेश्चन नंबर 60, वॉट इज ट्रू ऑफ द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर सोनेट के बारे में बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट हैज एंडिंग ऑफ अल्टरनेट लाइंस राइमिंग विद ईच अदर, इट हैज थ्री क्वेट्रेंस एंड ए कपलेट। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर है 60 का, क्योंकि इसमें थ्री क्वेट्रेंस होते हैं, चार चार लाइन का मतलब तीन स्टैंजा होते हैं, और फिर लास्ट में कपलेट यानी दो लाइन की उसको कंप्लीट करते हुए एक हम बोल सकते हैं कपलेट होता है, जो स्टैंजा को कंप्लीट बना देता है। तो चार 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 प्लस दो का ये फॉर्मेट होता है शेक्सपियरियन सोनेट का, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। 61 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, हु हैज रिटन रुथ, तो मिल्टन ने लिखा था ये 61 में, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, सेंटेंस दे रखा है इसमें एरर फाइंड आउट करना है, तो 62 में ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बट आई विश टू, यहाँ एरर दिख रहा है, आप इसको आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एसर्टिव, एसर्टिव बनाना है, सेंटेंस दे रखा है, इफ ओनली आई हैड कम वन आवर अर्लियर, ठीक है। तो इसको हमको एसर्टिव बनाना है, एसर्शन मतलब एक साधारण वाक्य बना देना है, तो इसको आप ऑप्शंस को पढ़ के आराम से समझ सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आई विश आई हैड कम वन आर अर्लियर। ये कौन की जगह कम है, मिसप्रिंट है, ये सी ओ एम ई सी ए एन लिखा हुआ है ना, सी ओ एन, इसको आप कम पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज सोलिलोक्यू, तो आई एम श्योर कि सभी इसको जानते हैं, एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 64 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन इम्पल्स इज फ्रॉम ए वर्नल वुड, द अबव लाइन हैज बीन कोटेड फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो इस के ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये लाइन जो ली गई है द टेबल्स टर्न, ऑप्शन ही राइट आंसर है 65 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, हु हैज रिटन पीटर वेल अमंग द फॉलोइंग, पीटर वेल किसने लिखा था, तो पीटर वेल सबको पता होगा, विलियम वर्थ की एक पोएम थी,
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। कंप्लीट द सेंटेंस, मिल्टन बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 44 की एज में मिल्टन अंधा हो गया था। फिल इन द गैप, गॉल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद। जो गॉल्सवर्दी का प्ले है सिल्वर बॉक्स, वो किस चीज़ से डील करता है? इनइक्वालिटी ऑफ पावर, इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, इनइक्वालिटी ऑफ लेबर, द इनइक्वालिटी ऑफ मनी डिविजन। तो यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं 68 में, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन सी, द इनइक्वालिटी ऑफ लेबर। लेबर के बारे में जो दुर्भावना होती है लेबर के साथ, जो इनइक्वालिटी होती है उसके बारे में डील करता है वर्क सिल्वर बॉक्स। तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कंप्लीट द सेंटेंस, द आइसलैंड फ्रेसिस, द आइलैंड फ्रेसिस हैज बीन रिटन बाय, ये वर्क किसने लिखा है? तो 69 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गालसवर्दी का ये वर्क भी। 70 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, फिल इन द ब्लैंक है ये भी, फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन। तो यहाँ आपको कंजक्शन देखना है कौन सा आएगा सही क्वेश्चन नंबर 70 में। तो यहाँ सिंस यू विजिट इट शैल बी डन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 70 में, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। चेंज द वॉइस, इसमें चेंज करना, व्हाई डिड ही डिफ्रॉड यू फॉर योर अर्निंग बाय हिम। तो इसको चेंज करना है हमको, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, व्हाई वर यू डिफ्रॉडेड योर अर्निंग्स बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इन विच ईयर गॉल्सवर्दी रिफ्यूज टू ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। तो किस साल में नाइटहुड इनको जो ऑफर की गई थी, इन्होंने मना कर दिया था? तो 1918 में। ठीक है, 72 में बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी 1917 में। तो यहाँ ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। सी गेव हिम ब्लैंक ही वांटेड। तो यहाँ 73 में ऑप्शन ए हो जाएगा, व्हाट ही वांटेड। ठीक है, सी गेव हिम व्हाट ही वांटेड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 74 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। फिल इन द गैप विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। वॉलपोन फेल ए विक्टिम ब्लैंक हिज ऑन ग्रीड। तो 74 में राइट आंसर हो जाएगा 2, विक्टिम टू हिज ऑन ग्रीड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगियरिज्म। सबको पता होगा, ये जो रिसर्च करते हैं या जो एक दूसरे की पोइटिक वर्क को कॉपी करते हैं उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं। तो 75 में पूछा गया है कि प्लेगरिज्म क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटरेरी थेफ्ट। ठीक है, दूसरे लोगों का टेक्स्ट चोरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, हु इज द हेरोल्ड क्लेवर इन गॉल्सवर्दी जस्टिस। सही करेक्टर है, तो ये कौन है? डिफेंस काउंसिल, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ 76 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एस्थेटिक मींस, एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी से, सुंदरता से, सो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। When was the first complete collection of Shakespeare play known as the first folio published? Shakespeare play का जो first folio था वो कब publish हुआ था? तो यहाँ 1623 में पहला folio आया था, well known date है, year है, तो option यहाँ right answer हो जाएगा। Next question देखते हैं, question number 79। Name the figure of speech in the following line, boys will be boys। ठीक है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? Boys will be boys, 79 में, तो इसमें metonymy हो जाएगा, option D right answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो मिस स्पेल्ड वर्ड यहाँ देखना है आपको, ऑप्शन डी राइट आंसर है, डिलेमा ये मिस स्पेल्ड है, गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। फिल इन द गैप, द पब्लिक आर क्वेश्चन ब्लैंक पिक पॉकेट्स। तो 81 में राइट आंसर हो जाएगा डी, अगेंस्ट पिक पॉकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्रेवन की करेक्ट मीनिंग क्या है 82 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवार्डली, कवार्डली ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। कंप्लीट द सेंटेंस, द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून इन ट्रेजिक हीरो, अचानक से जो ट्रेजिक हीरो होता है किसी ट्रेजिडी का, उसका भाग्य बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो 83 में बी, पेरिपेशिया बोलते हैं उसको, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन 84, व्हाट इज यूफोनी? यूफोनी किसे बोलते हैं? तो इसका मतलब है प्लीजेंट साउंड, कुछ अच्छे से बोलना लिखना, यूफोनी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। फेरेलिटी थाई नेम इज वुमेन, दिस रिमार्क इज मेड बाय, तो ये 85 में हेमलेट का होगा, राइट? फेरेलिटी थाई नेम इज वुमेन मेड बाय, तो इसका राइट आंसर होगा हेमलेट। ये हेमलेट से लिया गया है फेरेलिटी, ये स्पेलिंग थोड़ा फेरेलिटी की मिस्टेक है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये हेमलेट के द्वारा रिमार्क किया जाता है हेमलेट प्ले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, सेंटेंस दिए गए कौन सा पैसिव में है, ये देखना है आपको। तो 86 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। लेट द सैलरी बी गिवन टू दीज क्लर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्रेज पोइटिक जस्टिस। पोइटिक जस्टिस जो टर्म है, किसने इसको पॉपुलराइज किया था और इन्वेंट किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये राइमर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इन्होंने पोइटिक जस्टिस टर्म को इन्वेंट किया और इसको पॉपुलराइज भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। ए लिरिक इज, लिरिक क्या है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन 88 में देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन भी, दो ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये बाकी ऑप्शन अब आप देख सकते हैं। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिरिक होता है शॉर्ट पोएम इन विच द पोइट एक्सप्रेस हिज हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग, पर्सनल फीलिंग्स को शो किया जाता है। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, यहाँ जो वर्ड दे रखे हैं करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है 89 में, वो फाइंड आउट करना है, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा, नाहून टेट ने किंग लियर को रिवाइज किया था जिसमें कॉर्डेलिया एडगर से शादी कर लेती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, द अबव लाइन हैज बीन कोटेड फ्रॉम, ये जो लाइन है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स, ये किस से ली गई है क्वेश्चन नंबर 91 में, तो ये है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रील्यूड, द प्रील्यूड में कितने पार्ट हैं। 92 प्रील्यूड आपको पता होगा कि वर्ड्सवर्थ के जो वर्क हैं उसको एक कलेक्शन ऑफ वर्क्स है उसको बोला जाता है, तो इसमें 14 पार्ट हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपियर, अपियर एडम किस वर्क में अपियर होता है शेक्सपियर की, तो 93 में ऑप्शन बी हो जाएगा, एज यू लाइक इट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज रिटन हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम टी एस एलियट ने लिखा था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट, सैमसन एगोनिस्ट किस तरह का वर्क है, ठीक है। तो यहाँ 95 में ऑप्शन हो जाएगा सी, लिरिकल ड्रामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू काउंट अपॉन, इसका क्या मतलब है जो फ्रेज दे रखा है टू काउंट अपॉन 96 में, तो इसका मतलब होता है टू डिपेंड अपॉन, राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 97, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय, चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। लाइफ ऑफ मिल्टन एंड मिल्टन की जो बायोग्राफी थी वो किसने लिखी थी लाइफ ऑफ मिल्टन के नाम से, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से राइट आंसर है सैमुअल जॉनसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमुअल जॉनसन ने ऑलमोस्ट 52 पोइट राइटर्स की लाइफ यानी बायोग्राफी लिखी थी, तो उसमें मिल्टन का नाम भी शामिल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 98, क्वेश्चन नंबर 98, पिक आउट द करेक्ट एंटोनियम अमंग द फॉलोइंग वर्ड, एपैथी का एंटोनियम देखना है, यहाँ जो ये बोल्ड में लेटर दिख रहा है एपैथी का एंटोनियम वर्ड देखना है हमको, तो 98 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोऑपरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99, इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश, तो यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1910 में पब्लिश हुआ था। व्हाट डज द आइडिया मिसमेले राइट मींस, इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, टू हैव इस हैव रीजन टू रेस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101, इन विच ईयर द प्रील्यूड वाज पब्लिश, 1850 में पब्लिश हुआ था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंस इन टू पैसिव, आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स, ही वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। हु इज हेमलेट्स बिलव्ड इन हेमलेट, हेमलेट की बिलव्ड कौन है, तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, ओफेलिया हेमलेट की बिलव्ड है हेमलेट प्ले में शेक्सपियर के।
कंप्लीट द सेंटेंस, शेक्सपियर हैज रिटन 8 हिस्टोरिकल प्ले, शेक्सपियर ने 8 हिस्टोरिकल प्ले लिखे थे, तो यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, ए सोनेट कंसिस्ट 14 लाइन्स, सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। कॉमस इज ए मास्क, कॉमस है जो मिल्टन का मास्क है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका जो 107 है इसमें करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ही वॉज एस्टोनिस्ट एट हिज सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 108, कंप्लीट द सेंटेंस, मिल्टन सेरोपेजिटिका कंसर्न विद, तो सभी को पता होगा मिल्टन की एरोपेटिका है वो लिबर्टी ऑफ प्रेस के साथ डील करती है, प्रेस पे कुछ हमें इंग्लैंड में बंदी से लगा दी गई थी, तो मिल्टन ने ये एक पुस्तिका टाइप में लिखी थी, एरोपेटिका बुकलेट टाइप में, पैम्पलेट बोल सकते हैं जिसको, और इसमें इन्होंने प्रेस की फ्रीडम के बारे में काफ़ी बातें की थी, ठीक है, और वहाँ की कम्युनिटी को क्रिटिसाइज किया था, वहाँ के स्पेशली जो राजतंत्र था उसको, कि उन्होंने प्रेस को क्यों दबाने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिफेनी मींस, तो मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड प्रेजेंस, 109 में ऑप्शन हो जाएगा एक राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, नेक्स्ट है फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, आई एम बैडली इन नीड, अब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ मनी, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल, तो एक प्ले है शेक्सपियर का जिसमें रॉयल क्रिमिनल शो किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो वो रिचर्ड थर्ड है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैसे हेनरी फोर्थ में भी किंग रॉयल सोसाइटी से रिलेट करता है, बट यू कैन चेक इट अगेन, ओके। हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर की जो सोनेट हैं टोटल 154, उसमें से कितने सोनेट डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं शेक्सपियर ने, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ 28 सोनेट, एक्चुअली यहाँ 28 ऑप्शन दे रखा है, कमीशन ने 28 माना था, बट एक्चुअल में देयर आर 26 सोनेट्स विच आर डेडिकेटेड टू डार्क लेडी एंड लास्ट टू सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू द पैट्रंस और वन अनदर, ठीक है, बट हेयर ऑप्शन 28 इज राइट, 28 को करेक्ट माना जाता है। हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस टू WH बाय शेक्सपियर, तो शेक्सपियर को शेक्सपियर ने WH, जो मिस्टर WH नाम से एक हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है शेक्सपियर ने, उनको डेडिकेट किया, तो कितने सोनेट को डेडिकेट किया, तो 126 हो जाएंगे, ठीक है, टोटल 154 थे जिसमें 126 WH को और बाकी यहाँ एज पर द कमीशन 28 डार्क लेडी को डेडिकेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, ये बात किसने पूछी थी कि लेडी मैकबेथ के कितने बच्चे थे, ठीक है, तो ये 114 है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सी ब्रैडले ने शेक्सपियर के जो प्ले थे पे काफ़ी रिसर्च किया था, वर्क किया था, तो उन्होंने पूछा था कि हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, ठीक है, तो ऑप्शन बी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 115, हु कंसिडर रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर, किसने कहा था कि जो रोमांटिसिज्म है वो लिटरेचर का लिबरलिज्म है, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, थियोडोर वॉट्स डंस्टन, ठीक है, इन्होंने बोला था लिबरलिज्म इन लिटरेचर, रोमांटिसिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116, हु इज नाउन एज द फोर्थ विच इन द शेक्सपियर्स वुमेन करेक्टर, शेक्सपियर की जो वीमेन करेक्टर है उसमें फोर्थ विच किसको बोला जाता है, शेक्सपियर की कई प्ले में तीन विच हमको देखने को मिलती हैं, जो स्पेशली मैकबेथ में, तो यहाँ फोर्थ विच किसको बोला जाता है, ऑप्शन है लेडी मैकबेथ, जर्ट्रूड, कॉर्डेलिया एंड डेस्टेमोना, तो आई एम श्योर सभी को पता होगा 16 में ये लेडी मैकबेथ, क्योंकि इसी प्ले में तीन विच दिखाई गई हैं जो मैकबेथ को डायरेक्ट करती हैं, और उसी में लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच बोला गया है, क्योंकि लेडी मैकबेथ भी काफ़ी मोटिवेट करती है मैकबेथ को से किंग को मारने के लिए और बदला लेने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए, दैट्स वाई सी इज कॉल्ड द फोर्थ विच ऑफ दैट प्ले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, सी इज इग्नोरेंट ब्लैंक व्हाट सी प्रिटेंड्स टू नो, 117 में ऑप्शन बी हो जाएगा, और सी इज इग्नोरेंट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज ग्रैंड, ऑप्शन सी ग्रैंड स्टाइल बोला जाता है मिल्टन की स्टाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टर्न द फॉलोइंग इन टू इनडायरेक्ट स्पीच, डू यू राइट ए गुड हैंड ही सैड, इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, सो आई एम श्योर यू ऑल कैन डू इट ईजली, सो ऑप्शन ए राइट आंसर है यहाँ, आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, वॉट इज बैरोक,
की एक टर्म है वो क्या होती है, स्टाइल होती है एक, ठीक है, राइटिंग स्टाइल। तो 120 क्वेश्चन हो गए, लेट्स सी लास्ट 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इट वाज बिटर कोल्ड। इसको करेक्ट करना है, इट वाज बिटर कोल्ड। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, आप इनको आराम से रीड करिए, सिंपल क्वेश्चन है। डी राइट आंसर हो जाएगा, इट वाज बिटरली कोल्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 122, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, आर यू लिव्ड अलोन और मैरिड, नो एरर। तो चार ऑप्शन है, कौन सा ठीक है, बी में एरर दिख रहा है, आर यू लिव्ड अलोन, तो ये लिव अलोन, डू यू आर यू लिविंग अलोन और मैरिड, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी में एरर दिख रहा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्ड्स। 123 के वर्ड्स देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से हैं, और उसमें से फिर हमको करेक्ट स्पेलिंग को पिक करना है। तो इसके ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, जो करेक्ट स्पेलिंग है 123 में वो ऑप्शन डी दे रखा है, प्लेटिट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट है 124, फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब्स, डायमंड कट्स आयरन, डायमंड कट्स गोल्ड, डायमंड कट्स सिल्वर, डायमंड कट्स डायमंड। तो ये सबसे जो पॉपुलर हम बोले प्रोवर्ब है वो डायमंड कट्स डायमंड, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कंक्वर्ड इंग्लैंड इन 43 BC। तो उसका नाम था क्लोडियस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 BC में जनरल, रोमन जनरल था क्लोडियस, जिसने इंग्लैंड को जीत लिया था। तो ये कलेक्शन था 2013 का, जो TGT का पेपर था इंग्लिश का, उसको आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, प्रोत्साहन मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को विजिट ज़रूर कीजिए, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।